दोस्तों आपने देखा होगा जब हम मोटर स्लॉट के अंदर क्वाल डालते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, करीब एक क्वाल में 5 से 10 मिनट लग जाता है। अगर दोस्तों अगर यही क्वाल आप पूरी मोटर 10 से 20 मिनट में रिवाइंडिंग कर लें, मतलब स्लॉट के अंदर पूरी क्वाल डाल के कंप्लीट कर लें तो कितना अच्छा होगा। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से रिवाइंडिंग करने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान देना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 3 इम्पोर्टेंट टिप्स बताएंगे। अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप कोई भी सबमर्सिबल मोटर हो, V3, V4, V6, आप आसानी से उसे 10 से 20 मिनट में फुल रिवाइंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें जो 3 बातें महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी सबमर्सिबल मोटर हो उसको आप बड़े आसानी से 10 से 20 मिनट में वाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों जो V4 सबमर्सिबल मोटर हैं या फिर V6 हो, V8 हो, V3 हो, कोई भी सबमर्सिबल मोटर हो उसको आप बड़ी आसानी से 10 से 20 मिनट में वाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जब हम सबमर्सिबल मोटर वायरिंग करते हैं अगर क्वाल में 1-2 तार एक्स्ट्रा हो जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा ना भी हो, जो कंपनी का वायरिंग था डाटा था वही डाटा आप यूज करते हैं, तब भी सबमर्सिबल मोटर वायरिंग करने हमें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त होती है और जो क्वाल होती है वो स्लॉट के अंदर नहीं जा पाती है या फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस वजह से हमें सबमर्सिबल मोटर वायरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, फुल वॉच जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों चलिए हम आपको जो 3 ट्रिक्स हैं, मतलब 3 बातें हैं जो वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें सबमर्सिबल मोटर को जो स्लॉट होती है जिसमें हमें क्वाइल डालनी है इनको अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो कुछ इस प्रकार से आरी पत्ती ले लीजिए इस प्रकार से और इसको अच्छी तरह से इस तरह से पूरी को साफ़ करना है। क्या होता है दोस्तों जब हम इसको साफ नहीं करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कचरा इसमें जमा रहता है, इस वजह से हमें क्वाइल डालने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और जो क्वाइल में साइन होते हैं वो इसके अंदर नहीं जा पाते हैं। इस तरह से हमें 24 स्लॉट हैं वो साफ़ करना है। और दोस्तों जब हम अभी हम बताते हैं आपको, देखते चलिए। बता रहे हैं दोस्तों उनको आप फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आप सबमर्सिबल मोटर रिवाइंडिंग करते हैं, सबमर्सिबल मोटर का काम करते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हमने इस तरफ इसको पूरे 24 स्लॉट को साफ़ कर लिया है, अब हम चलते हैं दूसरी साइड। तो यहाँ भी हमको इसी प्रकार 24 स्लॉट को साफ़ करना है अभी। और इसके बाद साफ़ करने के बाद 2 महत्वपूर्ण बातें अभी और बाकी हैं। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो भी आपको नोट करना है, तो वो हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे आपको। यहाँ पे विशेष ध्यान देना है आपको कि हम जो जिस बातों को लेके आपको बता रहे हैं अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो कोई भी सबमर्सिबल मोटर हो आप बड़ी आसानी से उसमें काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हमने इस मोटर में स्लॉट जो होते हैं वो दोनों तरफ से साफ़ कर लिए हैं। अब दोस्तों हमारी यहाँ पे एक बात जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब जो दूसरी बात है उसको आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें दोस्तों जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है उसके लिए हमें कुछ इस प्रकार की फाइल चाहिए होती है। दोस्तों जब हम मोटर को काटते हैं, मतलब जो ओल्ड वायर होता है उसको निकालते हैं और इसमें जो स्टिक लगी होती है, लकड़ी लगी होती है, जब हम ब्लेड पत्ती साफ़ करते हैं तो वो निकल जाती है। लेकिन दोस्तों जो स्लॉट पत्ती होती है ऊपर भाग, ऊपर वाला भाग होता है जहाँ पे स्टिक लगाते हैं,
दोस्तों यहाँ पे कुछ छाले वगैरह आ जाते हैं इसमें जंग के कारण, या फिर इसमें स्ट्रक लगी रह जाती है, तो उसको निकालने के लिए जो इस तरह से सभी 24 स्लॉट को इस तरह से उसको अच्छी तरह से साफ करना है। और दोस्तों यहाँ पे विशेष ध्यान और भी देना है कि जब फाइल रीति से मतलब साफ करें तो यहाँ पे ज़्यादा साफ ना कर दें कि इसकी स्लॉट है वो पूरी ही साफ़ हो जाए, तो यहाँ भी ध्यान देना है आपको, थोड़ा हल्का हल्का से इसको साफ़ करना है। अगर ज़्यादा साफ़ करेंगे तो स्लॉट ख़त्म हो जाएगी, और जब स्ट्रक लगाएंगे, अब लकड़ी लगाएंगे इसमें, तो वो ऊपर की ओर निकल जाएगी, लग नहीं पाएगी। ठीक है दोस्तों, हमने इस तरफ रीति लगा लिया है, अब चलते हैं हम दूसरी साइड, तो इस तरफ भी हम रीति को लगाना है। दोस्तों तो इस प्रकार से आपको जो हमने अभी तक दो बातें बताई हुई हैं उसको फॉलो कीजिएगा। तो पहले स्लॉट के अंदर का कचरा निकालना है आज ब्लेड पत्ती से, उसके बाद स्लॉट को फाइल से इस प्रकार फाइल से आपको साफ़ करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ चौड़ी सा आई है और यहाँ पे बिल्कुल पतली हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने दो बातें आपको जो बताई हैं उसको फॉलो ज़रूर करें, और दो बातें फॉलो करने से ही आपकी मोटर जो आप रिवायरिंग करते थे क्वाल स्लॉट के अंदर डालते थे, तो आपको एक घंटा या दो घंटा या फिर एक दिन पूरा लग जाता था, और जैसे ही आप तीन बातों को ध्यान करेंगे तो आप यही सबमर्सिबल मोटर आप 20 से 25 मिनट मैं रिवाइडिंग कर सकते हैं, अच्छी कितनी भी बड़ी कितनी भी HP सबमर्सिबल मोटर हो। अब दोस्तों बात यहाँ पे आती है तीसरी बात की, तो यहाँ पे जो तीसरी बात है वो है क्वाल साइज। जैसे कि हम सबमर्सिबल मोटर रिवाइंड करते हैं, क्वाल मोटर भरते हैं तब हम क्वाल बनाते हैं, तो दोस्तों इसकी जो क्वाल साइज है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, अच्छी तरह से होनी चाहिए। क्वाल अगर लंबी हो जाती है तब भी हमें वायरिंग करने में समस्या आती है, क्योंकि ज़्यादा क्वाल लंबी होने के कारण मोटर है इसमें ओवर निकल जाती है, इस वजह से हमें उसमें वायरिंग करने में समस्या आती है। और दूसरी बड़ी बात होती है दोस्तों कि जब हम क्वाल बनाते हैं तो इसकी साइज फर्मा पर सेट करते हैं, तब अगर क्वाल छोटी हो जाए तब तो और ही ज़्यादा समस्या हो जाती है। अगर छोटी क्वाल हो जाती है तो हम स्लॉट के अंदर वायर नहीं डाल पाते हैं, और इसमें ज़्यादा परेशानी होती है हमें। करीब हमें इसमें अगर क्वाल छोटी होने के कारण और हमें एक घंटा तक ज़्यादा समय लग जाता है। तो दोस्तों जैसी इसकी सबमर्सिबल मोटर है इसकी परफेक्ट साइज बनाना चाहिए आपको, जैसी क्वाल इसमें लगनी है, ना उसमें बिल्कुल लंबी हो ना छोटी हो। तो दोस्तों अगर आप क्वाल साइज नहीं जानते कि वो कैसे निकालना है, तो आप हमारे वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। हम पहले भी कई इस प्रकार के वीडियो बना चुके हैं कि सबमर्सिबल मोटर की क्वाल साइज कैसे निकालें। और दोस्तों V4, V3, V6 और V8 इन सभी का क्वाल साइज निकालने के लिए अलग अलग फार्मूला है, तो वो चैनल पर जाके आप देख लीजिए। दोस्तों जब हम क्वाल स्लॉट के अंदर डालते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से पेपर भी बनाना है। इस प्रकार से आप पेपर बना लेते हैं तो आपको मोटर वाइंडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, और आप 10 से 15 या 20 मिनट में भी सबमर्सिबल मोटर को वाइंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो फर्मा पेपर है इसको हम जब क्वाल स्लॉट के अंदर डालते हैं तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह के स्लॉट पेपर बनाना नहीं जानते हैं तो वो भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं अम्बे इलेक्ट्रिकल्स यूट्यूब चैनल पे। इस तरह के सारे कई प्रकार की वीडियो इसमें पड़े हुई हैं। अगर सबमर्सिबल मोटर का कनेक्शन नहीं जानते कैसे करते वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और हमें कमेंट बॉक्स में जो हमने आपको जानकारी दी है ये कितनी आपके लिए पसंद आई है हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।